और ये आ गई हैं गर्म गर्म जलेबियाँ। हीट निकल रही है और बहुत मज़े का हमारी गर्म गर्म चाय भी आ गई। ये मेट्रो वाला तो हमें नहला के छोड़ेगा। बहुत बहुत प्यारा मौसम हो गया। दिल कर रहा है कि समोसे हो, पकौड़े हो, कोई गर्म गर्म जलेबियाँ हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी सुबह उठे हैं सो के तो शदीद किस्म की बारिश, इतना प्यारा वेदर हुआ है और बस वाला सारा पानी उड़ा के ऊपर ये मेट्रो बस वाले ने कोई हमसे कोई इसकी हमारी दुश्मनी थी क्या? ये मेट्रो गुजरी है, साथ स्टेशन है ना, तो ये सारा पानी हमारी गाड़ी पे है। अगर कहीं शीशा खुला होता मंसूर हम तो नहा लेते हैं ना। वही हुई थी शदीद, पहले आपको बारिश दिखाती हूँ फिर आपको मंसूर से मिलवाती हूँ। ये देखें बाहर वेदर, देखें बारिश, देखें आपको आवाज़ भी आ रही होगी, इतनी शदीद बारिश। बहुत बहुत प्यारा मौसम हो गया मुल्तान का। उठे हैं सो के तो मुझे फील हुआ है बाहर बड़ी बारिश है। अभी तक बच्चे सोए हुए थे, हमने कहा हम निकलते हैं अपने काम शाम निपटाते हैं जो करने हैं। और बाहर मौसम तो देखे कितना प्यारा मौसम है, तो कमाल हो गया। मुल्तान में मरी बन गया है। हाँ जी, अब करेंगे मंसूर सलाम और देखना आपने बिल्कुल सामने है। सामने देखिए शदीद बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और मौसम बहुत मज़े का था। हमने सोचा चलो हम थोड़ा सा घूम के रहे, घर पे घर बैठने का फ़ायदा नहीं है, मुझे उठाया कहते मौसम इंजॉय कर रहे हैं। काम भी थे, चलो काम के साथ साथ जो है वो हम ज़रा घूम के आए, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं। हाँ जी, मैं सोई हुई थी, मेरी ये विषय को बता रही होगी आप, मुझे कहते हैं फ्रेश हो जाओ, बच्चे भी सोए हुए थे, मुझे कहते हैं बहुत प्यारा मौसम है और चलते हैं। मैंने कहा चलो, जो लोग घूम नहीं सकते वो छतों पे चले जाएं। हाँ जी, इतनी बारिश सुल्तान तो मुझे कमाल हो गया, इस्लामाबाद बन गया है ना, लाहौर इस्लामाबाद में ऐसी बारिश होती है। और यकीन करें बहुत अच्छी बात, मुल्तान में इतनी बारिशें हो रही हैं कि मुसलसल बारिशें हो रही हैं, इसलिए काफ़ी दिनों से आप लोग हमारी वीडियो में भी देख रहे होंगे कि इतनी शदीद वाली बातें और मौसम इतना कोई अच्छा हो गया है। अब तो कहीं दिल नहीं करा जाने को, कहीं बाहर मरी मरी भी सुल्तान ही मरी बना हुआ है। वो कह रही थी ना अभी एक ही हफ्ते में बारिश बहुत है। हाँ, ये पूरा हफ्ता बारिश है, मज़े का वेदर है। इतना प्यारा वेदर हो तो घर कौन बैठे हैं भाई, वैसे ही निकल के बाहर घूमे इंजॉय करें, इतना मज़े का। मेरा हालांकि इतना गला ख़राब है जब से पूल से आई हूँ ना, मेरा बस शदीद गला ख़राब। घूम ना सके तो फिर छत पे चढ़ जाए, छत पे। हाँ, अगर आप घूम नहीं सकते तो आप छत पे चले जाए, छत पे जाए, एंजॉय करें, पूरा मोहल्ला आपका बाहर होगा, इलाके के लोग। अभी मैं घर जाऊंगी ना, बच्चों को उठाती हूँ, आप भी जाके। तो आज तो कोई पकौड़े शकौड़े हो ही जाए, क्योंकि बिल्कुल नहीं बनाती मैं पकौड़े, थोड़ा अवॉइड करती हूँ। नहीं, पकौड़े अच्छे रहेंगे। हाँ, नहीं तो समोसे लेते हैं गर्मा गर्म अहमद वालों से, अहमद वालों के समोसे बहुत मशहूर है यहाँ पे, बहुत मज़े के हैं गर्मा गर्म, आज वो लेते हैं। और जलेबियाँ भी, ओके, इस मौसम में जलेबी और समोसे का ओहो डाइटिंग होती रहती है, छोड़ो उसे। यस, मौसम एंजॉय करना चाहिए। यस, ये पानी पानी हो गया बाहर सारा। ओए ये देखिए जी, बाहर तो कोई इतनी तेज बारिश, ये मेट्रो वाला तो हमें नहला के छोड़ेगा। इसको छोड़ दो, इसको जाने दो मंसूर, इसके साथ साथ ना चलो, ये पानी उड़ा रहा है बहुत ज़्यादा। आवाज़ सुनो कितनी मज़े की आवाज़ है, इतना प्यारा मौसम हो तो कोई घर कैसे बैठ सकता है भाई, हम तो निकल पड़े हैं घूमने फिरने के लिए। आज की तो हमारी मुझे लग रहा है वीडियो गाड़ी में ही बनेगी सारी, क्योंकि मेरा मैंने कहते कहीं बाहर निकलते हैं, लेकिन जितनी शदीद बारिश हो गई है ना इस टाइम, पहले जब घर से निकले इतनी देर नहीं थी, अभी जितनी शदीद बारिश हो चुकी है ना, बाहर तो निकलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ उतरेंगे बस, गाड़ी में आपको वेदर दिखाते हैं। और जो भी मेरा दिल कर रहा है बच्चों के समोसे ले लें और गर्मा गर्म जलेबियाँ ले लें, एक अहमद वाले हैं यहाँ बेकर्स हैं उनके बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ से लेते हैं समोसे और जलेबियाँ। और मंसूर अपने एक दुकान में वो करके फिर हम लोग घर वापस चलते हैं। तो आपको दिखाती हूँ कितने आज के ना दिल कर रहा है कि समोसे हों, पकौड़े हों, कोई गर्मा गर्म जलेबियाँ हों, क्योंकि मौसम ऐसा हो तो ऑटोमेटिकली क्रेविंग होती है। और मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया, मैं तो सो के उठी हूँ, चाय भी नहीं पी, ऐसे उठ के हम लोग बाहर आ गए हैं। आपने चाय पी थी? मैंने भी चाय नहीं पी, अभी चाय भी लेंगे।
ये देखिए सारा ये प्लॉट है, ग्रासी लॉन है और ये सारा फुल है पानी से, बिल्कुल ये तो भर गया सारा। ये सामने द अरीना है, DHA में आप एंटर होते हैं ना तो अंदर आते ही ये अरीना होटल है, काफ़ी बड़ा है ये। और ये बाहर आप पानी चेक करें, उनका ग्रॉसी लॉन बिल्कुल भर गया है। और ये देखें सामने ना DHA में फैसल मस्जिद का भी इन्होंने ना मॉडल बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। DHA में ना इस तरह बहुत प्यारी प्यारी, मतलब उन्होंने मीनारे पाकिस्तान, मज़ार कायद, बाबे खैबर है जो वो, और इस तरीके से बहुत प्यारा बनाया हुआ है। ये देखिए ये मीनारे पाकिस्तान का मॉडल, और यहाँ पर पार्क है, और यहाँ पर हर ब्लॉक का अपना अलग अलग पार्क है, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पार्क है पूरी कॉलोनी का। और ये देखिए यहाँ पर ना ये औरतें काम कर रही हैं, चावल की काश्त हो रही है, इतना प्यारा लगता है ना ये माहौल, इस तरह चावल लगाते हैं। सच बताऊँ मैं भी पहली बार देख रही हूँ, हम लोग भी मिस करते हैं इन चीज़ों को, कभी नहीं देखा मैंने, खेत में बेचारे काम करते फिर रहे हैं। ये आ गई जी हमारी समोसा चाट, बहुत ही यम यम मज़े के लग रहे हैं बाहर, और ये बारिश। और ये रही मंसूर की प्लेट, मंसूर अभी आ रहे हैं, आई थिंक वो कुछ और भी ले रहे हैं बाहर से ना। और ये आ गई हैं गर्म गर्म जलेबियाँ, बहुत ही मज़ेदार। इतना कोई फ्रेश समोसा है ना मंसूर, ये मैंने कहा ज़रा मैं अंदर की इसकी एक्सरे करूँ, गर्मा गर्म समोसा, इसमें से हीट निकल रही है और ये बहुत मज़े का। समोसे बहुत मज़े के थे, समोसे हमने खा लिए हैं और अभी लेंगे चाय, बच्चों के लिए भी पैक करा लिए हैं। एक नई शॉप थी बट समोसा बहुत कमाल था ना मंसूर, जिस तरह का हमें चाहिए था ना वही का वही टेस्ट। और जलेबियाँ भी ले ली हैं और अभी चाय लेके फिर चलते हैं हम लोग घर। हम लोग घर से निकले हैं तो बहुत तेज़ बारिश थी, फिर मिड में नहीं थी जब हम DHA वाले रोड पर आए तो वहाँ बारिश नहीं थी, अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर फिर बारिश है, इसका मतलब है कि हमारी साइड पे बारिश ज़्यादा हुई है ना, ये अभी फिर यहाँ पर तेज़ बारिश है। इधर तो इतनी कोई ग्रीनरी है ना यहाँ पर इस एरिया में, ये देखिए जहाँ देखो दरख्त ही दरख्त और खेत ही खेत, बहुत बहुत प्यारी जगह ही है। सारे खेत हैं टोटली, ये कौन सी जगह है, हाँ करीब ही हमारे घर से ना ये भी। बड़ा दिल चाह रहा है बाहर निकल जाऊं लेकिन बाहर बहुत बारिश है, आपको शायद नजर आ रहा होगा ठीक ठाक बारिश हो रही है, गीले हो जाएंगे बिल्कुल, बस यहीं से बैठ के एंजॉय करते हैं और फिर अभी घर जाना है।
बारिश कितनी प्यारी हो रही है। और ये सामने है चाय वाला होटल जहाँ से हम लोग चाय ले रहे हैं, ये भी पठानों का होटल है। हमारी गर्मा गर्म चाय भी आ गई और बाहर मौसम भी मज़े का, चाय पीने का भी मज़ा आएगा। ये बच्चे होते हैं जो मतलब मुस्तहक होते हैं, दिल भी करता है इनका, इनको देने को, इनका ख्याल करने को।